स्वागत है आप सबका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के सीरीज में एक और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। ये है एट्थ पास स्टूडेंट जितने भी होते हैं, या वो ट्रेड जिसमें एट्थ पास क्वालिफिकेशंस मांगा जाता है, ऐसे ट्रेड जो 1 ईयर वाले होते हैं, ये उनका क्वेश्चन पेपर है 2019 का। क्वेश्चंस हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है। एट्थ पास वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका क्वेश्चंस काफ़ी इजी होता है जो 10th पास वाले बच्चे होते हैं उनके रिस्पेक्ट में। सो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? आप यदि यूनिट पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहला कन्वर्सेशन यही होता है कि 1 इंच इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये रिलेशन पता होता है कि 1 इंच जो होगा वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चंस में मिलीमीटर में पूछा हुआ है, सारा डेटा मिलीमीटर में पूछा है। तो यदि सेंटीमीटर में आपको पता है, आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 का एक और हम जो वैल्यू है वो, अगर ये सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो 1 10 का गुणा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 25.4 मिलीमीटर। ये जो 1 डेसिमल है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। इनमें से क्या मैकेनिकल है? देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, फ्यूजिबिलिटी एंड आघात वर्ध्यता। मैं फिर से बोलूँगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप इंग्लिश में टर्म्स को याद रखिए। देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन को दे दिया है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तब भी यही लिखा है, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। आप यदि इसको इंग्लिश में नहीं जानेंगे तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, और आघात वर्ध्यता मतलब हार्डनेस की बात करें, डक्टिलिटी की बात करें, मेलेबिलिटी की बात करें, टफनेस की बात करें, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल के एग्जाम्पल होते हैं, जबकि रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, फ्यूजिबिलिटी ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल होते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत भी उसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धातु का मैकेनिकल गुणधर्म है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, धातु का मैकेनिकल गुणधर्म, हिंदी में ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है। आप इस चीज़ को इंग्लिश में देख लीजिएगा। अच्छा इंग्लिश में ये लिखा हुआ है विच वन इज़ अ फेरस मेटल। मैं फिर से वही कहा, देखिए हिंदी में यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि विच वन इज़ अ फेरस मेटल। अब बात यदि वो फेरस की कर रहा है, जैसे कि ऐसी वो चीज़ें जिसमें लोहा पाया जाता है, कॉपर, ब्रास, लेड, ये तो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, स्टील। स्टील लोहे से बना होता है, और इसका आप लोग कंपोजिशन भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में इसका कंपोजिशन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या धातु नहीं है, नॉन मेटल कौन सा है, ये पूछ रहा है। कॉपर, ब्रास और लेड, ये जो होगा आपका मेटल होता है, क्वेश्चन मेटल नहीं है पूछा है, धातु नहीं है, तो यह आंसर हो जाएगा हमारा पोर्सिलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग करें, भाग देने के लिए, देखिए क्वेश्चन फिर से, आपके क्वेश्चन बहुत सारे मिसप्रिंट होते हैं। क्वेश्चन कह तो रहा है भाग करें, लेकिन बीच में लिखा हुआ है प्लस का चिन्ह, ये गलत है। ऐसे कभी भी केसेस आपके पास आएंगे तो आप अपने इन्विजिलेटर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। क्वेश्चन है 23/4 भागित होना चाहिए था और 3/5। आपको पता है जब भी भाग देना होता है तो भाग के लिए हमारा तरीका क्या होता है, इस भाग को बदल देते हैं हम लोग गुणा में, मतलब ये 23/4 और ये हो जाता है गुणा, और जो उसके साथ रहता है उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पे नीचे का क्या हो जाएगा, 4 3 12, ये 12 वाले ऑप्शन दिख रहे हैं सारे। अब इसमें से ऊपर क्या होगा, तो ऊपर का गुणा कर दीजिए, 5 3 15 की 5, हाँ सिलाई 1 और 10 और 1 11, और नीचे में था 12। ऑप्शन 115/12 ये होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे आंसर हमारा क्या दे दिया है, 155/12, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे ये इसको 1 होना चाहिए था और फिर ये आंसर आता, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए तो ये गलत था।
तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। योगफल बताएं, सीधा सीधा सा आपको दशमलव वाली संख्याएं दिया गया है, उसको आपको ऐड करके बताना है। ऐड करने के तरीके आपको पता होगा कि दशमलव के पहले वाले को इस साइड लिखेंगे, बाद वाले को इधर। ये 4.5 और नेक्स्ट है 3.2। ये जो खाली जो संख्या रहता है उसकी जगह पे हम शून्य लिख देते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ से 5, 4, 9, दशमलव के वाली जगह पे 0.,, 6, 4, 10 और 3, 13। तो 13.94, 13.94। फिर से ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है। आंसर जो है आपका 13.94 ही आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है या क्या दे रहा है, 13.95। तो ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम है, इसलिए आपको आंसर ए कंसिडर करना पड़ेगा। प्रति यूनिट आयतन पर बॉडी का भार कितना होता है? क्वेश्चन जो पूछ रहा है, मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। सीधी सी बात है कि मास बटा वॉल्यूम, यही तो डेंसिटी के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा घनत्व। भार क्या होता है, वो तो mg के बराबर होता है। विशिष्ट गुरुत्व की बात करेगा तो किसी भी वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बल फोर्स जो कि एम इंटू ए के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार से आप क्या समझते हैं? यही पूछ रहा है, भार से आप क्या समझते हैं? भार एक स्केलर है, वेक्टर है, भौतिक मात्रा है या रासायनिक मात्रा है? भार जो होता है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और इसके साथ साथ इसका एक डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन हमेशा भार जो होता है पृथ्वी के सेंटर की ओर ही लगता है, इसलिए इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहीं पे यदि क्वेश्चन द्रव्यमान के बारे में पूछता, मास के बारे में पूछता, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8/25 को दशमलव में बदले। जब भी दशमलव में बदलने की बात करता है तो आपको सीधा सीधा सा उसको भाग देना होता है। यह है आपका 8 और उसको आपको भाग देना है 25 से। 25 से 8 को भाग देने के लिए जो तरीका आपको भाग का जो आता है, जैसा आप भाग देना जानते हैं, बस वही तरीका यूज़ कीजिए और उसके हिसाब से आप भाग दीजिए। इतना बेसिक कैलकुलेशंस तो आप लोग को पता ही होगा। आपका आंसर आ जाएगा 0.32। नीचे दिए गए अनुपात में एक्स का मान याद कीजिए। आपको पता है जब भी समानुपात दिया जाता है तो बाहर वाले का गुणा बाहर के साथ और अंदर वाले का गुणा अंदर के साथ, मतलब 4x इज इक्वल्स टू इन दोनों का गुणा कर देंगे और वो हो जाएगा हमारा 6 छक्का 36 और 8 छक्का 48। ये हो जाएगा हमारा 48। तो x बराबर ये 4 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, आंसर हो जाएगा हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75% को दशमलव में बदलिए। परसेंटेज दिया हुआ है 75%। जब भी कभी परसेंटेज में दिया जाता है, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, और इसको आप कटा दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन जो दिया है वो 75 के टर्म पे ही दिया है, तो आपको सीधा सीधा इसमें दशमलव ही लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दशमलव लगाने के तरीके क्या होते हैं, जितना शून्य उतनी संख्या छोड़ दो। 1, 2, 2 शून्य तो 2 संख्या छोड़ दो और उसके बाद लगा दो दशमलव। मतलब ये हो जाएगा 0.75, 0.75। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 150 का 25% कितना होगा, सॉरी 1250 का 25%। आपको पता है जो भी संख्या दिया है उसको वैसे ही लिखिए, का के जगह पे गुणा कीजिए। 25% मतलब 25/100। सीधा सीधा से इसको कटाते जाइए, हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ये 0 आप यहाँ से कटा देंगे और नेक्स्ट आप इसको और किससे कटा सकते हैं, दशमलव वाला है तो रहने दीजिए, या तो फिर आप इसको गुणा कर दीजिए। गुणा करके आपको इसका वैल्यू मिल जाता है, जैसा भी आप लोग को इजी लगता है। सिंप्लीफाई करने का जो तरीका आपको आता है, आप उस तरीके से इस चीज़ को सिंप्लीफाई कीजिए। आप इसको गुणा कर देंगे, गुणा करने से 25 और 125 का ये मिल जाएगा आपको 3125 और 1 शून्य के कारण 1 दशमलव, मतलब 312.5। 312.5 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। योगफल याद कीजिए, 18a+7a। जब भी हम एलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान देना होता है कि ये जो चर राशि जो है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम उसका
जोड़ या घटाव कर पाते हैं, चूंकि ये भी ए है और ये भी ए है इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। 18 में 18 और 7 को हम दोनों जोड़ देंगे, जोड़ने से मिल जाएगा हमको 25 और ए उसके साथ बना रहेगा। गुणा करें, क्वेश्चन देखिए बोला है गुणा करें और दिया है बीच में प्लस का चिन्ह। इस तरीके के मिस्टेक आपके क्वेश्चंस पेपर में होते हैं, इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम देते वक्त। यहाँ पे आपको इन दोनों को गुणा करने के लिए कह रहा है। जब हम गुणा करते हैं तो संख्या का गुणा होता है संख्या से, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। ए का घात 2 और यहाँ पे ए का घात 5, सेम जो चर होते हैं उनका घात जुड़ जाता है, तो 5 और 2 7, ए का घात हो जाएगा 7। बी का घात 1 है और बी का घात यहाँ पे 3 है, तो टोटल बी का घात हो जाएगा 4। ऑप्शन देखिए 40A7B4। 40 वाले ये 3 है, A7 यही है, जबकि ये B3 दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? B4 होना चाहिए था। यहाँ पे फिर से आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, A-B होल स्क्वायर के लिए सूत्र क्या होगा? इसके लिए सीधा सा एलजेब्रा का फॉर्मूला है, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि A2-B2 का फॉर्मूला A2+B2-2AB, ये A2-2AB+B2, ये आपका होगा। यदि यही ये प्लस दिया होता, A+B का होल स्क्वायर दिया होता, तो ये पॉजिटिव वाले जो होंगे, ये आंसर A2+2AB+B2 ये होता, यदि प्लस में देता, माइनस में इसलिए आंसर आपका बी होगा। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है? सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट उसका पूछ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के स्पेस से गुजरने वाली सूर्य की ऊष्मा क्या कहलाती है? हमेशा यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट पूछ रहा है, हीट किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। पहला ऑप्शन है कंडक्शन। कंडक्शन वो तरीका होता है जिसमें दो एलिमेंट या दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ टच में होते हैं। जैसे कि हम कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा हाथ गर्म लगता है, तो वो क्या तरीका हुआ? कंडक्शन का तरीका हुआ, जब दोनों चीज़ें एक दूसरे के टच में रहता है और जो ठोस होता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन वो तरीका होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो रहता है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है। जो बहने वाली चीज़ें होती है यदि उसके द्वारा, जैसे कि कोई गर्म वस्तु को हवा ठंडा करता है, तो किसका एग्जाम्पल होगा? कंडक्शन का। लेकिन जहाँ पे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होता, जहाँ पे कोई एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होता, उसका आंसर होता है विकिरण। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी आने तक के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आंसर होगा हमारा विकिरण। त्रिज्या आर के साथ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, अगर त्रिज्या आर दिया हुआ है तो πr² नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त का व्यास 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इतना इस आसान आसान सा सवाल दिया जाता है। आपको पता है कि d/2 = r होता है, ये व्यास दिया हुआ है, उसका आधा कर दो तो 22 रेडियस हो जाएगा। विभवांतर की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका हमको यूनिट पूछा जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस एम्पियर करंट का होता है, वॉट जो होता है ये आपका एनर्जी जो होगा, पावर जो होता है उसका वॉट होता है, ओम रेजिस्टेंस का होता है, और ये हो जाता है पोटेंशियल का। सो आंसर हो जाएगा हमारा वोल्ट। वह पदार्थ जो विद्युत करंट को उनमें से गुजरने में सक्षम बनाता है वह क्या कहलाता है? सीधी सी बात है कि ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें से करंट गुजरता है, जिसमें से करंट पास होता है, उसको क्या कहते हैं? हमें पता है कि जो धातु होते हैं उनमें से करंट पास होता है। हमें पता है कि जिसमें से भी करंट पास होता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से पास नहीं होता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin θ 3/5 है तो cos θ का मान ज्ञात कीजिए। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और इसके बारे में हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के बारे में डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से इसके अलग अलग मेथड देख लेंगे। हमें पता है कि यदि sin θ, आपको पता है कि इस तरीके से आपको बनाना होता है, यदि यह है sin θ, sin θ का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो यह है लंब और यह है कर्ण, तो यदि ये 3 और 4 है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकल जाता है हमारा 4, तो 3, 5 और 4 पूछ रहा है कॉस का। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, मतलब 4/5, 4/5। 1 रेडियन बराबर
कितना डिग्री होता है, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन है। ये वैल्यू तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री होता है। मशीनी लाभ का अनुपात कितना होता है, मशीनी लाभ मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, सीधी सी बात है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा डब्ल्यू बाई पी, लोड अपॉन एफर्ट, लोड मतलब ये भार अपॉन प्रयत्न, आंसर ये हो जाएगा। एक सामान्य मशीन की कार्य क्षमता कितनी होती है, कार्य क्षमता पूछ रहा है, मतलब ये इसकी इफिशियंसी की बात कर रहा है, और इफिशियंसी जो होता है ये मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब मशीनी लाभ और बटे में वेगानुपात, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यदि इसी में ये प्रतिशत की बात करता तो बीच में हम 100 का गुणा करते, यदि ये प्रतिशत की बात करता तो, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत नहीं बोला है इसलिए मशीनी लाभ बटा वेग अनुपात। तो कुछ इस तरीके से 8th पास जो बच्चे होते हैं उनके में क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी बेसिक होता है जो कि आप देख रहे हो, लेकिन बात वहीं पे यदि 10th पास बच्चों की होता है तो बेसिक से हट के थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन ज़्यादा करता है। तो ये तो था आपका एक और क्वेश्चन पेपर, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, साथ साथ आपको नीचे लिंक में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको यदि कुछ चीज़ें या कुछ और डाउट होते हैं तो आप टेलीग्राम में मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं या अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर तो हिंदी में है, यदि उन्हें ये हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा तो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।